अभी रेडी हुए, मैं तो उठ गया था। आज मोटर व्लॉग भी करना है और थोड़ी 30-40 किलोमीटर बाइक भी चलाएंगे। बहुत दिन से चली, एक्चुअली बाइक में इशू आ रहा था काफ़ी टाइम से। मैं वो बोला सोचा कि हिसार से आगे कराऊंगा, तो शोरूम की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं कितना क्या रहता है, कितने किलोमीटर है, कितना खर्चा बैठेगा। तो चलो चलते हैं, मोटर व्लॉग को मिलता हूँ। GPS में डल चुका है, हमें पीछे की साइड मुड़ना है। मैं भी सभी देखते हैं कहाँ से दिखाएगा, तो अभी देखते हैं कहाँ से दिखाएगा रास्ता, किधर दिखा रहा है। सो ये इधर से दिखा रहा है। इधर ही है। सो यहाँ से हम जाएंगे अब, क्योंकि यहाँ रोड का काम चल रहा है, इसलिए सारा रॉन्ग साइड यहीं पे आ रहा है ट्रैफिक। बहुत टाइम बाद मेरे चैनल पे मोटो व्लॉग आ रहा है, बस थोड़ा बिजी हो जाते हैं काम वगैरह में। आज कर रहा बाइक एग्जॉस्ट जैसी, यहाँ पे ट्रक को रोका हुआ है, कस्टम ड्यूटी कहाँ से आ रहे भैया। गंदी सड़क बनी हुई है, ये पावर चाहिए हमें बाइक में, बस फुल अलग ही आवाज आ रही है। तो बुलट वाला भाई भगा रहा, तो हम कैसे ना भगाएं। सो बहुत ही गंदे गड्ढे हैं यहाँ, आने तो दे लेफ्ट है। पता नहीं कौन से गंदे रास्ते से GPS लेके आए, GPS पता नहीं कौन से रास्ते से लाए। बहुत ही गंदा रास्ता, वो स्लिप हो गया पीछे वाला टायर। सब रोड से ही आ गया थोड़ी, पागल है गाड़ी वाला, देखा पता नहीं क्या कौन सी दुनिया में चलाते हैं। तो यहाँ पे बुलेट वाले से आगे आते हुए बहुत खुशी हो रही है हमें। तो यही फायदा होता है ऊंचे बाइक का, और इसके ग्राउंड क्लियरेंस बहुत सही है, तभी कहीं टच नहीं होता। मतलब 165 तो हो ही गया आराम से, आई थिंक बिल्कुल प्यार से निकलती है बाइक। और शॉकर तो अभी नहीं डलवाए थे, वैसे भी पता नहीं चलता। कई लोग पता नहीं क्या कौन सी मस्ती में चलते हैं, खुद तो निकलते नहीं ना हमें निकलने में। तो ये टू व्हीलर का यहाँ पे फायदा हो गया हमें पूरा रास्ता सही नहीं लाया GPS ही।
देखियो अंकल है। वो देखियो, अरे आंटी। सो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं भाई, येरा कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत तगड़ा भाई। कोई पीछे बैठा इसको पता ही ना चला कितनी जल्दी पहुँच गया हम, 21-22 किलोमीटर था ये कह रहा, मैं को लगा 31 है। तो भाई अभी ट्रायल लेने गए, बोला भाई बाइक को क्या बना रखा है आपने, तो यहाँ देख रहे थे बाइक वगैरह भी, तो बस अभी वो आ रहा है ट्रायल लेके, तो दिखाए बताएगा क्या क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो वर्कशॉप में आए थे बजाज की, अभी देखते हैं क्या बोलता है माना दोस्त को। सो गाइस घूमते घूमते आगे वो बोला कि 2 घंटे लगेंगे हमें, तो हमने कहा आसपास गौर सिटी मॉल था, तो गौर सिटी मॉल आ चुके हैं। मैं अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो एक नंबर व्यू आ रहे हैं यहाँ पे, लिटरली एक नंबर व्यू आ रहा हूँ, दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया बना हुआ है यहाँ पे, भानु कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया मॉल है। तो अभी पीछे की जो सड़क देखी थी, तो वो उसकी वहीं से रास्ता था इसका, तो बस व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। 2 घंटे बाद बाइक मिलेगी, बाइक पर 4-5 हज़ार का खर्चा होगा, इतने मॉल घूमते हैं भाई। आया जिम के लिए, थोड़ा बहुत सामान सा लेने, शॉपिंग करते हैं अभी जिम के लिए, तो देखता हूँ क्या लेना है। 2-3 चीज़ें लेनी थी, कहाँ पीछे पीछे। मॉल वगैरह भी घूमा है, सारे काम कराए, अभी तक हुए ही नहीं यार कुछ काम, क्या करें। बैठे हैं, पापा ने भी बात करी है थोड़ा बहुत, बोला इनको तो बोले अभी आधे घंटे में करवाते हैं यहाँ पे। मतलब पिछली बार भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा, इस बार भी यूपी के अंदर मेरा हमेशा ऐसा एक्सपीरियंस रहता है। तो अब चलो देखते हैं, ठंड भी हो रही है, शाम हो चुकी है, शाम के 4 बजने वाले और 12 बजे आए थे आप लोगों को पता है। तो यार बैठे हैं, अब वेट करते हैं कब तक करके देंगे, फिर बताता हूँ, अपडेट देता हूँ आप लोगों को शाम के, बताता हूँ एक सेकेंड देख के क्या टाइम हो रहा है। तो बैक टू होम हमारे वॉरन पे आ गए, उसके अभी उसमें 5 बजने वाले, देखो तो सुबह के 11:30-11 के निकले, 5 बजे और बाइक तो ऐसी लग रही है, मतलब नई जैसी पिकअप हो गई है इसकी, बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। भैया बोले बढ़िया लग रही है भाई, यार कोई चीज़ में मेरे को दिक्कत यार पहले से लग रही थी भाई, मैं क्या इसकी पिकअप लोड उठा रही थी थोड़ी, तो बढ़िया हो गई। थोड़ा क्लच अभी ढीला, भैया बोले अभी नया डला तो टाइट होएगा। तो नोएडा में इस टाइम लग चुका है जाम, और यहाँ का जाम मतलब 40 मिनट का घर का रास्ता दिखा रहा अब, तो देखो कितनी देर में पहुँचेंगे अब। तो बाइक का यही फायदा होता है, धीरे धीरे करके निकल जाती है बाइक, और सारा जाम इसकी वजह से। और यार क्या स्मूथनेस आ रही है बाइक में, मतलब चैन साइड और क्लच प्लेट नहीं डलिया तो एक नंबर लग रहा है। और वो भैया तो क्या थे, कहाँ से मॉडिफाई करा रखी, आतंक मचा रखा। तो ये पिकअप है यार, ये पिकअप, यही पिकअप, तो यही पिकअप चाहिए हमें बाइक के अंदर। ये फायदा होता है बाइक का, साइड से निकल गया जाम बिल्कुल बढ़िया तरीके से, गाड़ी होती है अब धीरे धीरे चलाओ, गाड़ी ओवरटेक ही नहीं कर सकते यहाँ। लोग यार एक तो 20 सड़क में चल रहे, तो अब थोड़ी खुली रोड आ गया है, तो यार अब लग रहा है बाइक चला रहा हूँ मैं, मजा आ रहा मानो। तो यार अब स्मूथ हुई है बाइक, लिटरली बता रहा हूँ 2 मिनट में निकल के आएगी जाम में से।
बाय।